मल्टीपल आंसर आ रहे हैं मेरे पास, थ्री एंड टू दोनों आ रहे हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों? चलो देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। क्या बोला है? व्हेन द फोर ब्लास्टोमियर पेयर ऑफ एट सेल ट्यूनिकेट, यानी एट सेल ट्यूनिकेट है यहाँ पे, हमने ये एक्सपेरिमेंट भी देखा था, ये रहा एट सेल जो है ट्यूनिकेट। अब इसको क्या किया है हमने, फोर पेयर में डिवाइड कर दिया है, फोर पेयर यानी दो दो का करके चार पेयर हो गया, ये हो गया, ठीक है। एम्ब्रियो आर डिसोसिएटेड, ईच फॉर्म मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इट वुड हैव फॉर्म्ड हैड इट रिमेन इन द एम्ब्रियो, यानी इसने वो सारे स्ट्रक्चर बनाए, ऑल स्ट्रक्चर बनाए जो ये बनाता अगर ये इस एम्ब्रियो में पाया जाता तो, यानी इन सभी आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर्स ने वही स्ट्रक्चर बनाए जो ये एम्ब्रियो में रहकर बनाते। दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ व्हाट, दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ ऑटोनॉमस, उसने सब कुछ बनाया जो ये यहां पे बनाता, राइट। नेक्स्ट, हाउएवर द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम गेट स्पेसिफाइड ओनली इफ द डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स गेट चांस टू इंट्रैक्ट, लेकिन नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम तभी बनेंगे जब इनको इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेंगे। तो हमने देखा था कि इंट्रैक्शन किसके लिए जरूरी होता है, इंट्रैक्शन जरूरी होता है हमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए। बस हमारे पास आंसर मिल गया, आपको बताना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है। पहला है ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर, यानी ये पेयर रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ट्रू, हमने भी ऑटोनोमस ही डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट देखिए, ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, गलत। द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट द ऑटोनोमस डेवलपमेंट, अगेन गलत। नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सही। हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड डी, राइट, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। कुछ बच्चे अलग ही चल पड़े बी एंड डी लेकर, सेकेंड ऑप्शन। चलो अगला सवाल, मेक श्योर तभी आंसर दीजिएगा जब मैं कमेंट सेक्शन में आंसर देने को बोलूंगी, उससे पहले नहीं। Okay, you can answer in the comment section now. ओके, बिल्कुल सही। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सर्टेन प्रोटीन्स और एमआरएनएज दैट आर रीजनली लोकलाइज्ड विद इन द अनफर्टिलाइज्ड एग एंड रेगुलेट द डेवलपमेंट आर कॉल्ड, कुछ प्रोटीन्स या फिर एमआरएनए जो कि हमें अनफर्टिलाइज्ड एग में भी देखने को मिल सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में देखने को मिल सकते हैं, राइट। एंड ये प्रोटीन हो, एमआरएनए हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। एंड क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट, ठीक है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, चलो अगला सवाल, ध्यान रहे आंसर तभी देना है जब मैं आपसे पूछूं।
टेक रिलेटेड इश्यू के लिए प्लीज ग्रुप में आप मैसेज कीजिए। डन, चलो आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। और प्लीज ये बच्चे जो एडवांस में आंसर दे रहे हैं बिना बोले, प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है जब तक पूछा ना जाए प्लीज आंसर मत दीजिए। इतने तो छोटे बच्चे हैं नहीं आप लोग कि आपसे कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, तभी आंसर दीजिए जब आपसे बोला जा रहा है। और डन वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्वेश्चन कितना टाइम ले सकता है, उसके बाद मैं खुद ही आपको बोलूंगी। तो इत्मीनान से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बिना कुछ कमेंट में लिखे हुए, मैं डायरेक्ट जब बोलूंगी तब आप आंसर दीजिएगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट आर सेइंग वन, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज वन। क्या बोला गया है? इफ यू रिमूव अ सेट ऑफ सेल्स From an early embryo, you observe that the adult organism lack the structure that would have been produced from those cell. यानी जो सेल आपने रिमूव किया है उस सेल से जो स्ट्रक्चर बनते वो स्ट्रक्चर उस एम्ब्रियो में नहीं बने। तो आपको बताना है वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। यानी इसमें क्या हुआ, सिंपल भाषा में कहूं तो कौन से फीचर्स को यूज किया गया है, दैट इज नो कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन नहीं हुआ। एंड कंपनसेशन नहीं हुआ तो सीधी सी बात है ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होने वाला है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का ही फीचर है कि भाई कोई कंपनसेशन नहीं होगा। अगला सवाल, ओके यू कैन आंसर नाउ। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर विल बी थ्री। क्या बोला है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ अ सेल हैज कमिटेड टू अ पर्टिकुलर फेट, अगर एक सेल ने एक फेट के लिए कमिटमेंट कर लिया तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या हम इसे प्लूरीपोटेंट कहेंगे? नहीं, इसे हम टोटीपोटेंट भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो सेल जो है डिटरमाइंड हो गया है, उसे हम डिफ्रेंशिएटेड भी नहीं कहेंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बट यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, शांति से क्वेश्चन कीजिए। डन मैम, हो गया मैम, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आई नो कब बोल दे, आई मीन टू से कब आपको बोलना है आंसर के लिए। पीसफुली क्वेश्चन कीजिए, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे लगाइए।
ओके यू कैन आंसर नाउ. कुछ बच्चों को लग रहा है राजधानी ट्रेन पकड़ने की जल्दी है, पर आप भूल रहे हैं बिना इंजन के ट्रेन नहीं भागा करती है ना, और इंजन पूरे डब्बों को साथ में लेके चलती है, तो इतना आगे आगे भागने का कोई फायदा नहीं है. जो बोला जा रहा है कृपया उसका जो है पालन करें. कहा जा रहा है कि तभी आंसर दे जब बोला जाए, तो आई थिंक बहुत सिंपल लाइन है ये कि आप तभी आंसर दे जब मैं बोलूं. फिर भी पता नहीं कुछ बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं. ओके सो वी आर गेटिंग मल्टीपल आंसर्स, इवन वी हैव गॉट आंसर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सब मिल गया हम लोगों को. क्या बात है, इस बार आप लोगों ने चारों में से किसी ऑप्शन के साथ नाइंसाफी नहीं की, सबको बराबर का सम्मान दिया, बट ऐसा सम्मान आपके लिए हानिकारक हो सकता है. चलिए तो करेक्ट आंसर हमारा होगा दैट इज ए ओनली, दैट इज थर्ड ऑप्शन. कैसे होगा चलिए देखते हैं. ऑल दो पढ़ाया गया है, सब कुछ बताया गया है. बोला है गिवन आर सर्टेन फैक्ट विच डिफाइन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को डिफाइन करने वाले कुछ फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं. पहला सेल हैव मेड अ कमिटमेंट, सॉरी सेल ने जो है कमिटमेंट कर लिया है ताकि वो आगे चल के डिफरेंशिएट प्रोग्राम में चला जाएगा. बिल्कुल, जब कोई सेल कमिटमेंट कर लेता है तो इसी को ही तो हम डिटर्मिनेशन कहते हैं. और किसके लिए कमिटमेंट करेगा, किसी ना किसी काम के लिए. वो काम फेट गेन हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, या किसी और पाथवे में स्विच होने का हो सकता है, राइट. तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया. सेकेंड देखिए, अ फेज वेयर स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्शन अकर इन द एम्ब्रियोनिक सेल. ऐसा तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि कोई बायोकेमिकल एक्शन देखने को मिलता है डिटर्मिनेशन फेज में. गलत. नेक्स्ट, अ सेल कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू डिफरेंशिएशन सिग्नल. अगर अभी अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन को सही माना है, तो अगर एक सेल कमिटमेंट में जा रहा है और वहां पे अगर उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई प्रोग्राम मिले, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये भी गलत हो गया. ये पहले वाले का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखिए, आप फेज वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर अ सेल डिफरेंशिएशन. नहीं भाई, कमिटमेंट फेज यानी कमिटमेंट फेज मतलब हो गया एक तरीके से फुल्ली डिटरमाइंड स्टेज. डिटरमाइंड स्टेज में एक सेल को कभी भी दूसरे सेल से इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट. इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत कब पड़ती है, स्पेसिफिकेशन स्टेज में पड़ती है, जब एक सेल स्पेसिफाइड होता है. डिटरमाइंड स्टेज में उसको इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है. तो इस हिसाब से चले तो हमारा सिर्फ ए ऑप्शन सही है, दैट इज ओनली ए, दैट इज सी ऑप्शन. चलिए अगला सवाल. कोई बात नहीं, कुछ कुछ बच्चों का लेट रेस्पॉन्स आ रहा है, आई थिंक उनका नेटवर्क इश्यू है. जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जा रहे हैं, तो वो तब तक पुराने ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और उनका आंसर लेट हमको पोस्ट होता हुआ दिख रहा है. हाँ जी मानसी जी, बिल्कुल पतंग उड़ाते हैं, बट गांव वगैरह में ये सब रस्में वगैरह होती हैं, सिटी में कहाँ है किसी के पास टाइम है. हाँ जी बिल्कुल निधि जी, आपका कमेंट शो हो रहा है. इनको क्लास के बाहर नहीं निकालेंगे, आज पतंग उड़ाने का दिन है तो आज हम इनको कबूतर बना के उड़ाएंगे, पाँव में रस्सी बांध के, ठीक है, और कबूतर जा 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 करेंगे, फिर देखते हैं कितनी दूर तक जाते हैं. हाँ जी दीपक जी,
हाँ जी, आपका कमेंट शो हो रहा है शो में। अक्सर जो बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं क्लास में, हम उनको कबूतर बना देते हैं, है ना? चलो आंसर बताओ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कितना बोलने के बावजूद भी हम नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी बोल लो आप, हम तो कमेंट करके ही रहूंगा, वो भी सबसे आगे। यस, आपका कमेंट भी विजिबल है। ओके, सो वी आर गेटिंग मल्टीपल आंसर, वन एंड टू बोथ। कुछ बच्चे कह रहे हैं टू, कुछ कह रहे हैं वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन बेस्ड यानी ऐसा कंडीशन जो कि एग्जामिनर के द्वारा रखा गया है और वो आपसे जानना चाहता है कि बताओ भाई आपका सोचना क्या है। एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपके कंसेप्ट चेक होते हैं। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है देखती हूँ कितने बच्चों ने चेक किए हैं अपने। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। विच ऑफ द इन्फरेंस गिवन बिलो वुड ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद द अर्ली एंड द लेट गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ न्यूट। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है अर्ली एंड लेट गैस्ट्रुला फेज में, मेनली न्यूट के एम्ब्रियो में। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको करेक्ट इन्फरेंस बताना है, और आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट रखा गया है ये है होस्ट का रीजन और ये है डोनर का, और ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डोनर। तो डोनर रीजन क्या है, जब एपिडर्मिस को न्यूरॉन में डाला गया यानी एपिडर्मिस को न्यूरॉन वाले रीजन में प्लेस किया गया, तो हमें जो डोनर टिश्यू का डिफरेंशिएशन मिल रहा है वो है एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस एपिडर्मिस ही रहा, उसने अपना फेट नहीं बदला। ऐसा जिद्दी कौन होता है, ऐसा जिद्दी होता है ऑटो वाला, यानी ऑटोनॉमस वाला। अगला नेक्स्ट, जब न्यूरॉन टिश्यू को एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया तो अभी भी ये न्यूरॉन ही बना रहा है, यानी ये भी जिद्दी है, इसने भी अपना फेट नहीं बदला, और जिद्दी कौन होता है, ऑटोनॉमस। ठीक है, नेक्स्ट, लेट गैस्ट्रुला, ये तो अर्ली गैस्ट्रुला फेज में एक्सपेरिमेंट किया गया था, फिर लेट गैस्ट्रुला फेज में एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि एपिडर्मिस बनाने वाले टिश्यू को न्यूरॉन बनाने वाले टिश्यू में रख दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो देखा गया कि एपिडर्मिस बनाने वाला टिश्यू अब न्यूरॉन बना रहा है। देखिए यहाँ पर, यानी इसने अपना फेट बदल लिया। फेट बदल लिया कौन करता है ऐसा, दैट इज कंडीशनल वाला। और यहाँ भी देखिए, न्यूरॉन बनाने वाले को जब एपिडर्मिस एरिया में डाला गया तो वो अभी एपिडर्मिस बनाने लगा, यानी उसने अपना फेट बदल दिया, और कौन बदलू होता है, कंडीशनल वाला बदलू होता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, क्या क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि अर्ली फेज में ऑटोनॉमस हमको मिल रहा है, ठीक है, और लेट फेज में हमको कंडीशनल मिल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि अर्ली में कंडीशनल होता है, लेट में ऑटोनॉमस होता है, लेकिन वो जो हमने पढ़ा था वो हमें उस तरीके का एक्सपेरिमेंट था इसलिए पढ़ा था, और रियलिटी भी वही है, लेकिन ये जो कंडीशन बनाया गया है क्वेश्चन का, हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, और ये कंडीशन हमको ये कह रहा है कि भाई अर्ली वाले सेल इस एक्सपेरिमेंट में ऑटोनॉमस शो कर रहे हैं और लेट वाले सेल इस कंडीशन में कंडीशनल वाले डेवलपमेंट को शो कर रहे हैं। बस हमें वैसे ही चलना है, जैसा कंडीशन हमको वैसे चलना है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ जो कंसेप्ट लगाया है वो कंसेप्ट गलत नहीं लगाया है, हमने यही देखा था कि जो अपना फेट जिद्दी बन के
लेकर रखेगा, चेंज नहीं करेगा, वो ऑटो होगा. तो यहाँ पे हमने ऑटो ही किया है. और जो अपना फेट चेंज कर देगा किसी के इंट्रैक्शन में आके, वो कंडीशनल होगा. तो यहाँ भी हमने कंडीशन लिया है. लेकिन इन्होंने जो यहाँ पे स्टेट डाला है वो स्टेट इन्होंने चेंज कर दिया है. इसी को बोलते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन. ऐसे काफी क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, मतलब जहां पे आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन गलत है, बट ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन वैसे बनाया गया है ताकि आपके कंसेप्ट को एक बार से एक तरीके से आप बोल सकते हो शेक कर दिया जाए. अब इसी के अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन पिक करना है. बोला है सेल ऑफ अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट. हमें एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा नहीं मिल रहा है, और ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन एक्सपेरिमेंट के ऊपर है ये, तो ये तो नहीं होगा. नेक्स्ट, सेल ऑफ अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट ऑटोनोमस डेवलपमेंट, हमको एक्सपेरिमेंट में यही मिल रहा है. अगला, सेल ऑफ लेट न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट. यस, यहाँ पे हमको कंडीशनल मिला है, ट्रू. एंड सेल ऑफ लेट गैस्ट्रुला एग्जिबिट ऑटोनोमस डेवलपमेंट, नो. तो देखा जाए तो बी और सी हमारा सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो याद रहेगी ये सीख. कभी भी आपको देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने इसको पढ़ा हो और आपके दिमाग में ये डाउट ना आया हो कि यार ये क्वेश्चन शायद गलत दे दिया है. लेकिन एक बार आपको ऑप्शन भी चेक करना था, राइट? एक बार तो कॉन्फ्लिक्ट आया होगा कि जो मुझे पता है और जो इन्होंने इधर दिया है ये उल्टा पुल्टा दे दिया है पूरा. तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा उसी टाइम पे हिंट मिलना चाहिए कि जो आपको पता है और जो इन्होंने पूछा है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. यानी शायद ये सीएसआईआर के एग्जामिनर द्वारा क्रिएट किया हुआ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कंडीशन बेस्ड एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे आज आपने एक नई चीज सीखी. ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में. अगला सवाल, कृपया आंसर कमेंट सेक्शन में ना दे. ऊपर की हेडिंग डिफरेंट थी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा नजर हटी दुर्घटना घटी. हाँ जी तमल, जो रियलिटी थी उसका अपोजिट क्वेश्चन में पूछा था. नहीं, डिटरमिनेशन फेज में हमें बायोकेमिकल इवेंट कहाँ कुछ भी देखने को मिल रहा था. जो बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं ना, मैंने उनको उठा के वीरेन सर के साथ लेकर उनको एक रूम में बंद कर देना है. वीरेन सर ने उनकी ऐसी किडनी की छन्नी छन्नी करनी है ना, फिर मिलेगा नहीं, फिर किडनी सही सही सलामत नहीं मिलेगा. बिल्कुल, होस्ट और डोनर पढ़ना था आपको. बिल्कुल SRG, देखिए पूरा दिमाग लगा रहे हैं मैम, किडनी सेल डी डिफरेंशिएट हो जाएगा. बिल्कुल सही पकड़े हैं आप. मीनल वो एम्ब्रियोनिक सेल है, लेकिन एम्ब्रियोनिक सेल में भी दो लेवल लिया गया है, एक है डोनर एक है होस्ट. डोनर सेल ही डोनेट होता है और वही डिफरेंशिएट होता है. टेलीग्राम पे इस पे चर्चा हुई है. अच्छा ठीक है, चलिए आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में. मैम व्हाई वेदमी एजुकेटर आर सो मच ऑब्सेस्ड विथ किडनी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग अ किडनी ब्रेकर इन आवर ग्रुप, दैट इज व्हाई. और हमने देखा है कि जख्मी किडनी वाले बच्चे थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ते हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि वही अप्लाई करें.
भाई साहब, 1 2 3 तीनों ऑप्शन आ गए, तो फोर्थ वाले को क्यों छोड़ दिया? उसको भी लपेट लो, बेचारा अकेला रोएगा, परेशान होगा। हाँ जी, आपके कमेंट विजिबल है। हाँ ही करत हो बबुआ। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ठीक है? बोला क्या गया है, द फेट ऑफ सेल और अ टिश्यू इज स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली ऑन बीइंग प्लेस्ड इन अ न्यूट्रल इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंटल पाथवे। एन एम्ब्रियो विल शो डेवलपमेंट पैटर्न बेस्ड ऑन इट्स टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन। अच्छा, स्पेसिफाइड के लिए बोला है कि स्पेसिफाइड सेल वो होता है जो ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट होता है, बट कोई मुझे बच्चा ध्यान देकर बताएगा कि ये कौन से स्पेसिफाइड के लिए बोला है? अर्ली स्पेसिफाइड के लिए बोला है या लेट वाले के लिए बोला है? किसके लिए ये स्टेटमेंट यूज किया है? ऑब्वियसली लेट वाले के लिए किया, क्योंकि लेटली स्पेसिफाइड सेल को ही जो है हम डिटरमाइंड कंसिडर करते हैं, राइट? हमने बताया था कि अर्ली स्पेसिफिकेशन स्टेज में कंडीशनल देखा जाता है, लेट वाले में ऑटोनोमस देखा जाता है, लेकिन वो कंडीशनल के वो स्पेसिफिकेशन के अंडर में आ रहा था, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया ना, वो लेटली स्पेसिफाइड यानी डिटरमाइंड सेल के लिए बोला गया, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो। चलिए आगे क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट इट कैन बी सेट द पोटेंसी ऑफ द सेल इज, पोटेंसी पे पूछ दिया है, क्या बोला है, पोटेंसी ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट। रेगुलेटिव यानी कंडीशनल डेवलपमेंट की बात की है, तो इसका पोटेंसी और फेट दोनों बराबर होते हैं कंडीशनल में? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो जो फेट होता वही बनता। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो पोटेंसी होती है वो बड़ी होती है फेट के कंपैरिजन में इन रेगुलेटिव या कंडीशनल डेवलपमेंट। तो ए तो गलत हो गया, ए गलत, तो फिर ये गलत, ये गलत, ठीक है? बी हर हाल में सही होगा, बी देखिए क्या बोला है, क्योंकि बचे हुए ऑप्शन में सिर्फ बी रह गया। द पोटेंसी ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट, एकदम सत्य वचन बोला गया है, ट्रू। नेक्स्ट, पोटेंसी ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट, एकदम सही। देखिए यहाँ पे कंडीशनल ऑटोनोमस वर्ड यूज ही नहीं किया इन्होंने, इन्होंने दूसरा वर्ड यूज कर लिया, रेगुलेटिव एंड मोजाइक, इसलिए मैंने कहा था सारे टर्म्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे ऑटो की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ऑटोनोमस में क्या होता है, ऑटोनोमस में जो पोटेंसी होती है वो फेट के बराबर चलती है, इसीलिए वो फेट फेट अपना आराम से गेन कर पाता है। ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट, गलत। तो इस हिसाब से चले तो बी एंड सी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, सीधी बात, नो बकवास। तो इतना मल्टीपल आंसर काहे दे रहे थे जी, बी और सी ही तो था, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें भी आप ये मत बोलिए कि एक्सेस दिमाग लगा लीजिए, लिया आप लोगों ने, ठीक है? अगला सवाल, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप एक्स वाई जेड बुक अगर प्रेफर भी कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन के लिए प्रेफर कीजिए, उन सब बुक्स में आंसर्स काफी इधर उधर गड़बड़ दिए हुए हैं, ठीक है? तो आंसर को देख के बायस्ड आंसर मत दीजिएगा, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में पोटेंसी और फेट दोनों बराबर होता है, लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में पोटेंसी बड़ी होती है फेट के कंपैरिजन में। अक्ष,
अजय जी आप सुपर फास्ट ट्रेन की तरह काहे एक्ट कर रहे हैं, अभी हमने बोला तब तक आंसर नहीं देना जब तक हम ना बोले। ठीक आप लोग क्या चेन रिएक्शन खेल रहे हो? एक ने जवाब दिया, दूसरा, तीसरा, सबने पीछे पीछे जवाब देना शुरू कर दिया। गजब हो भाई, गजब। कोई चेन रिएक्शन चल रहा है? एक का स्विच ऑन होते सबका स्विच ऑन हो गया। चलो आंसर दो। रुको जरा, सबर करो समीर, सीरियसली सबर। बच्चों से पूछो उसका मीनिंग क्या होता है। सबर को फल समझ के खा चुके हैं वो। ओके, इसके आंसर मुझे सेम सेम मिल रहे हैं। चलो देखते हैं, मैक्सिमम बच्चों ने टू बोला है, कुछ कुछ बीच में थ्री भी बोल रहे हैं। देखते हैं क्या बोला है। वैसे ये क्वेश्चन हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। व्हेन द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम अ अर्ली गैस्टुला और फ्रॉग वॉज ट्रांसप्लांटेड, यानी न्यूरॉन को कहाँ ट्रांसप्लांट किया गया? एपिडर्मिस में। द डोनर सेल डिफरेंशिएट इनटू एपिडर्मिस, तो डोनर सेल जो है एपिडर्मिस बन गया। मतलब कि डोनर ये था, डोनर न्यूरॉन था, उसको एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया, तो वो भी एपिडर्मिस बन गया। ठीक है, ये कब हुआ? ये अर्ली गैस्टुला फेज में हुआ। फिर सेम टू सेम सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया लेट गैस्टुला फेज में। ठीक है चलो, लेट गैस्टुला फेज में ले लेते हैं। जब न्यूरॉन को एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया, तो देखने को मिल रहा है कि ये न्यूरॉन बना रहा है अब। अरे भाई साहब, इतना सिंपल तो सवाल है ये। दीज ऑब्जर्वेशन कुड पॉसिबली बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिनोमिना, किस फिनोमिना के द्वारा बताया जा सकता है? बताइए करेक्ट आंसर। कितना इजी सा सवाल है ये। बोला है अर्ली गैस्टुला। अच्छा हम पहले खुद बता लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन को जब एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया, तो ये एपिडर्मिस बनने लगा अर्ली फेज में। तो ये क्या कर रहा है? ये इंट्रैक्शन में आके अपना फेट बदल दिया। हेंस ये क्या है? ये है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे जो न्यूरॉन है, ये डोनर अभी भी न्यूरॉन में ही डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ये कैसा केस है? ये है ऑटोनोमस, राइट? यानी अर्ली फेज में कंडीशन मिल रहा है, लेट फेज में हमें ऑटोनोमस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला है द अर्ली गैस्टुला शो कंडीशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। वेयर एज लेट गैस्टुला शो ऑटोनोमस डेवलपमेंट, एकदम सत्य वचन बोला इन्होंने। नेक्स्ट, अर्ली गैस्टुला शो ऑटोनोमस डेवलपमेंट, घनघोर गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरोन फ्रॉम द अर्ली गैस्टुला आर ओनली स्पेसिफाइड, वेर एज फ्रॉम द लेट गैस्टुला आर डिटरमाइंड, यानी अर्ली गैस्टुला वाले जो न्यूरोन थे वो स्पेसिफाइड थे, जबकि लेट वाले डिटरमाइंड थे। देखिए कितना स्मार्टली पूछा है। लेट वाले डिटरमाइंड, ऑटोनोमस वाला क्या करता है? डिटरमाइंड सेल कहलाता है तो, और कंडीशनल वाला स्पेसिफाइड कहलाता है। इस हिसाब से देखें तो यस, अर्ली गैस्टुला वाला जो न्यूरॉन है वो स्पेसिफाइड था, लेट वाला डिटरमाइंड था। सी भी सही हो गया। यहाँ पे उल्टा बोला है तो इसको हम गलत कर देंगे। तो ए और सी सही हो गया, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। इजी, ये क्लास ऑफलाइन होती लक्ष्मीकांत जी, आधे बच्चे तो फील होते कि मानो कि वो बोलना ही नहीं जानते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों का तो मुझे आवाज ही तब सुनने को मिलता जब वो क्लास खत्म कर चुके होते, पूरा बैच। कुछ पूछने से बोलते तू बोल, तो एक बोलता तू बोल, तू बोल, बस तू बोल ही होता रहता।
अगला सवाल, नेहा जी आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकती हैं, आपको तो क्वेश्चन से ही मतलब है, कोई भी बुक प्रेफर कीजिए। आंसर आपको सही हर बुक में नहीं मिलेगा, आंसर आपको अपनी तरफ से थोड़ा बेटर ढंग से सॉल्व करना होगा। यस निशा, डायरेक्टली गिलबर्ट से सारे स्टेटमेंट उठाए हुए हैं। वंशिका आपका मैसेज दिख रहा है मुझे। जैसे मैंने कहा मीमोना, आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकती हैं, लेकिन आंसर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मैक्सिमम बुक में काफी कुछ आंसर गलत दे के रखे होते हैं। तो क्वेश्चन सोर्स के लिए आप बुक ले सकती हैं, बट आंसर आपको ऑफिशियल की से ही देखना बेटर होगा। चलिए जी, शिवानी जी हेलो, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके मुझे आंसर मिला है 1B, 4 और 3। भाई साहब, ये जो बच्चे गलत दे रहे हैं ना बार बार आंसर, सही सही सिचुएशन नहीं है ये, ठीक है। आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन काफी इजी है और सही, मतलब इसमें इतने हिंट है ना कि आप चाह के भी इसके लिए गलत ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हो। देखिए क्या बोला गया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बींग मेड रिगार्डिंग द स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग द एनिमल डेवलपमेंट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अब आज मैं आपको एक और रूल सिखाती हूँ, अभी मैंने आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन का रूल बताया, अब सेकेंड रूल सीखिए। इसमें अगर आप ध्यान दें तो 5 बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए ना बड़े बड़े वाले, आप सबसे छोटा स्टेटमेंट पहले पिक कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस छोटे स्टेटमेंट से अगर हम कोई क्वेश्चन करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो जल्दी निकल के आ जाए। फिर बाकी ऑप्शन को भी आपको पढ़ना होगा बस क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। ये तरीका होता है कि कम टाइम में सही आंसर पे पहुंचने का। सबसे छोटा स्टेटमेंट मुझे यहाँ बी दिख रहा है फिलहाल में, तो बोला है एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज नॉट लबाइल। स्पेसिफिकेशन स्टेज पे सेल का कमिटमेंट लबाइल नहीं होता, जबकि ये गलत है। लबाइल यानी द थिंग विच इज सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ चेंज, जो चेंज हो सकता है। तो लेकिन स्पेसिफिकेशन स्टेज पे तो कमिटमेंट क्या होता है, लबाइल होता है। जाके नोट्स में देखिएगा ये स्टेटमेंट यूज किया है हमने। अब देखिए बी स्टेटमेंट क्या है, बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। तो बी स्टेटमेंट जब रॉन्ग है तो बी इधर भी है और बी इधर भी है, यानी हर हाल में ये भी गया और ये भी गया, यानी पहला और सेकेंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
इसके साथ साथ हमारे पास अब दो और बेनिफिट आ गए क्या, जो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं सी फोर थर्ड एंड फोर्थ, उसमें सी देखिए कॉमन है और डी भी कॉमन है, यानी हर हाल में सी और डी स्टेटमेंट सही है, चाहे आपको स्टेटमेंट के बारे में पता हो या ना पता हो, सी और डी हर हाल में सही है। ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, राइट, यानी सही कम टाइम में। अब देखिए ये स्टेटमेंट आप बिना पढ़े भी आगे निकल जाओ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। सी और डी में वैसे बोला क्या है, देखिए, अ सेल और अ टिश्यू इज डिटरमाइंड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली इवन व्हेन प्लेस्ड इन अनदर रीजन ऑफ एम्ब्रियो और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशियली स्पेसिफाइड सेल इन द पेट्री डिश। बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू। एक सेल डिटरमाइन तभी कहलाता है जब वो ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट कर होने लगे, चाहे आप किसी और इन्वायरमेंट में ही उसे क्यों ना रखें, वो ऑटोनोमसली जो है डिफरेंशिएट करेगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। डी देखिए, साइटोस्केलेटन अरेंजमेंट मेंटेन पोजीशनिंग ऑफ न्यूक्लियाई इन द सिंसिटियम विच एनेबल द स्पेसिफिकेशन ऑफ दीज न्यूक्लियाई बाय अपोजिंग द मॉर्फोजन ग्रेडियंट नेमली बाइकॉइड एंड कॉडल इन ड्रोसोफिला। वैसे तो ये क्वेश्चन मॉर्फोजन से है, लेकिन क्योंकि ये ड्रोसोफिला के बारे में है तो इसके बारे में हम ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको पता ना भी हो तो भी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बट आप इसको ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते थे क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में सी और डी था। सी तो हमको पता है, डी हमको नहीं पता है क्योंकि हम इसे ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट हमको कंफर्म करना है वो है ई एंड ए। यही ई और ए हमें बताएगा कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब सबसे छोटा स्टेटमेंट कौन सा है, ई छोटा स्टेटमेंट है कंपेयर टू ए। ई में क्या बोला है, कैपेसिटी फॉर मोजाइक डेवलपमेंट अलाउ द सेल टू एक्वायर डिफरेंट फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। मोजाइक डेवलपमेंट वाले सेल को इंट्रैक्शन की जरूरत कब से पड़ गई। मोजाइक यानी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी वो खुद करेगा, खुद डेवलप करेगा अकॉर्डिंग टू दी सीडी, नॉट अकॉर्डिंग टू द इंट्रैक्शन विद द नेबरिंग सेल। ये जो स्टेटमेंट बोला है ना, अगर मोजाइक की जगह पे रेगुलेटिव वर्ड यूज हो जाता ना तो ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ई गलत है तो ये भी गलत है और हेंस फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब इसके लिए हमें ए स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, ए में क्या बोला है ताकि हम कंफर्म हो जाए। ए में बोला है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट द सेल मे नॉट अपियर डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नेबर इन द एम्ब्रियो एंड शो नो विजिबल साइन ऑफ डिफरेंशिएशन बट इट्स डेवलपमेंट फेट इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप ध्यान दो तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमने हमारे बेसिक्स क्लियरेंस में पढ़ा था जो स्पेसिफिकेशन का था, कमिटमेंट के टाइम पे एक सेल अपने दूर या पास वाले सेल से हो सकता है विजिबल साइन के द्वारा डिफरेंट ना दिखे, लेकिन एक्चुअल में उसका फेट जो है रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है कमिटमेंट में। यस दिस इज ट्रू। इस हिसाब से देखें तो ए सी डी ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हो गए। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था जो हमारे लिए नया था, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे पढ़े हुए थे, तो इजिली आप फोर्थ ऑप्शन पिक कर सकते थे, राइट। चलो अगला सवाल, बिल्कुल तमल, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको कहती हूँ तमल योर बिहेवियर इज सो लवाइल, दैट मीन्स आपको किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है, यू आर सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द बिहेवियर ऑफ समवन एल्स। ठीक है, मतलब लवाइल यानी जो फिक्स नहीं रहता है, जो अपना अपनी चीजों को बदलता रहता है। अलवीना एंड दोरिन,
आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर समथिंग नो संदीप, दैट इज नॉट द इश्यू. आप अपने एंड से कॉपी में देखिए, इवेल्युएट कीजिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है. चलो बताइए आंसर क्या होगा. हेलो ज्योति जी, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे क्लास में भी पूछा था, उस टाइम भी बहुत से बच्चों ने ब्लंडर किया था, लेकिन उम्मीद करती हूँ अभी नहीं किया होगा. राइट, क्या बोला है? इफ अ ब्लास्टोमियर ऑफ फोर सेल सी आर्चिन एम्ब्रियो वाज आइसोलेटेड, ईच ब्लास्टोमियर कैन फॉर्म अ प्लूटस लार्वा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल था ये? हमने सी आर्चिन में पढ़ा था. क्या ये एग्जाम्पल ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, डिटरमिनेशन, मोजाइक डेवलपमेंट? देखिए, अब जिसको नहीं भी पता है ना, इनकेस मैं आपको बता सकती हूँ, ये ऐसा सवाल था जो थाली में परोस के दिया है. देखिए, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन को ही तो हम डिटरमिनेटिव डेवलपमेंट कहते हैं और इसी को तो हम मोजाइक कहते हैं. तीनों तो एक ही चीज है और ये कोई एक ही ऑप्शन पिक करने वाला क्वेश्चन है. मतलब कि ये तो हर हाल में नहीं हो सकता, अब बच गया यही. और दो हमने पढ़ा है, हमें कंसेप्ट पता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जिनको नहीं भी पता है उनके लिए भी ये आंसर सही करना बहुत आसान था, दैट इज टू, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन का मतलब एक ही होता है. ठीक है, अब अगर इसको कॉम्बिनेशन टाइप में देता तब थोड़ा फंसने वाली चीज थी, लेकिन ये वन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो इजिली हो जाता. राइट, ये एक्सपेरिमेंट हमने क्लास में डील किया था. चलिए आज का आखिरी सवाल है ये, मे बी यस. स्वागता, योर कमेंट इज विजिबल. हाँ जी, एकता दिख रहा है कमेंट आपका. चलो आंसर बताओ. हाँ जी दीवांश जी, बिल्कुल दिख रहा है.
ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट. बोला है द जाइगोट ऑफ सी एलिगन एग्जिबिट आर रोटेशनल क्लीवेज व्हेन द फर्स्ट टू ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड दैट इज पी वन एंड ए बी आर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड द फॉलोइंग आउटकम मे बी पॉसिबल. जब दोनों को एक्सपेरिमेंटली सेपरेट आउट किया तो कुछ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आई मीन टू से रिजल्ट आया. क्या रिजल्ट आया? ये हमारे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है. वेट अ मिनट. ओके, तो ये कुछ रिजल्ट आया, आउटकम आया. हमको बताना है कौन सा आउटकम सही होगा, कौन सा आउटकम ट्रू होगा. पहला, द पी वन इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग अ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. बिल्कुल, यानी पी वन का जो फेड था उसने वो सारे सेल बनाए, और ऐसा जब होता है तो ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है, जो कि है क्या, ट्रू. नेक्स्ट, पी वन सेल इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. नहीं भाई, एकदम गलत. सेकेंड, ए बी सेल इन आइसोलेशन जनरेट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन. बिल्कुल, हमने ये कहा था कि ए बी सेल को जो फेट था वो पूरा नहीं बना रहा है, वो सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल बना के रुक जा रहा था आइसोलेशन में. और जब वो ऐसा कर रहा था तो इसीलिए क्यों क्यों हो रहा था, क्योंकि वो पी वन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है. और ऐसा जब होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है. ए बी सेल इन आइसोलेशन जनरेट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन. नहीं, एकदम गलत. तो आंसर देखा जाए तो ए एंड सी सही हो गया, दैट इज फर्स्ट सही हो गया, राइट. ओके, तो आज के जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. लास्ट क्लास 2 घंटे की पूरी बोलते हैं ना फुल एनर्जी रिच क्लास थी. बहुत कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और उन्हीं क्वेश्चन का नतीजा है कि अगर उन सभी कंसेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन एकदम हलवा लेवल का था. ये कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं था, राइट. जो बच्चे अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है, जो सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको पता है इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन अब आपके लिए नहीं बन सकता है. आने वाले टाइम में इससे टफ लेवल पे ही जाएगा, इतना इजी लेवल पे और मतलब जो है इससे और डाउन लेवल पे नहीं जा सकता है. बस जो कमी है वो है आपके रिविजन की, वो है अंडरस्टैंडिंग की. जैसे मैंने कहा था कुछ बच्चों के लिए कि जहां भी जिसको भी कमी नजर आती है प्लीज आप रिकॉर्डिंग को एक बार और देख लीजिए. उससे क्या होगा, जो कमियां है ना वो फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है. वो कमी फिर और रहती नहीं है. ओके, फाइन, तो ये हमारा डन हो गया, राइट. अब नाउ वी कैन स्विच टू अ न्यू चैप्टर. टीचिंग पाठशाला पे कंप्यूटर इम्यूनोलॉजी क्लासेस हैं क्या, वो इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है क्या सेल सीरम में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, क्यों नहीं होती है. होल कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट वी रेड इन द क्लास वॉज नॉट गिवन. मजीद, कौन से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन की बात कर रहे हो? दिस वन कंडीशन बेस्ड वाले की बात कर रहे हो आप? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. हाँ जी मजीद, किसकी बात कर रहे हो आप, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? प्लूटस लार्वा, प्लूटस लार्वा, प्लूटस लार्वा. होल कंडीशन वॉज नॉट गिवन, वॉट एल्स होल कंडीशन यू आर एक्सपेक्टिंग? बोला है चार सेल जो है सी आर्चिन एम्ब्रियो का, उसको आइसोलेट कर दिया गया, यानी चार सेल ऐसे थे एंड यू हैव आइसोलेटेड दैट एंड नाउ यू आर गेटिंग द
लाइक ईच ब्लास्टोमियर से आपको प्लूटस लार्वा मिल रहा है. प्लूटस लार्वा मीन्स नॉर्मल लार्वा. वॉट एल्स यू वॉन्ट? अब इसमें आप और क्या मतलब कि मतलब कि इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो? वही चीज को सेपरेट आउट करके वो सारे के सारे जो सेल सेपरेटेड है वो नॉर्मल लार्वा बना रहे. प्लूटस लार्वा मीन्स नॉर्मल लार्वा. तो अब और आप क्या और मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर दिया जाएगा? फिर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया जाएगा तो फिर तो हमें हमारा दिमाग लगाने वाला तो कोई एरिया ही नहीं बचेगा ना. फिर तो ये समथिंग लाइक कि हमको स्पून में से खाना निकाल के हमारे मुंह में डाल दिया जा रहा है. क्वेश्चन इज क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मेंटेन इट्स लेवल, राइट? ओके, किसी को पोटेंसी वाले क्वेश्चन में दिक्कत है? क्या है भाई पोटेंसी वाला क्वेश्चन, जरा पढ़ो तो. ऐसे कम से कम मत कीजिए. इसमें दो ही कंसेप्ट लग रहे हैं भाई, पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट और पोटेंसी इज इक्वल्स टू फेट. ये चीज ऑलरेडी आपको पढ़ाई गई है आपके सेल स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में, फिर ये इतना इश्यू क्यों हो रहा है? लास्ट क्लास में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था, राइट? इतना लफड़ा फिर क्यों हो रहा है? See this? मतलब रिवाइज नहीं हो रहा है. हाँ, रिवाइज नहीं हो रहा है और मैम से आके पूछा जा रहा है मैम ये कैसे हो रहा है. ये देखिए क्या बोला गया, ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल्स टू फेट, यानी पोटेंसी जो है वो फेट के बराबर है. इसमें क्या इशू है? नेक्स्ट कंडीशनल में देखिए, कंडीशनल में भी हमने ये पढ़ा है पोटेंसी इज ग्रेटर देन द फेट, यानी पोटेंसी यहाँ पे ही लिखा है पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट. अब इससे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन आया और आप बोल रहे हो उसको भी समझा दीजिए. इसमें अब क्या समझाया जाए बताइए? इसी को समझाने के पीछे हमने हमारा लास्ट क्लास इन्वेस्ट किया है. प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो. मैम इन लास्ट क्वेश्चन कंपनसेशन और नॉन कंपनसेशन वाला लॉजिक क्यों नहीं लगा? कौन से लास्ट क्वेश्चन है भाई? एक बात मुझे बताइए, क्या ये चीज मैंने कही नहीं थी कि आपको किसी भी स्पेसिफिकेशन का 100% प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा? कोई एक प्रॉपर्टी भी पूछ दी जा सकती है क्वेश्चन में. क्या ये स्टेटमेंट मैंने कहा था? क्या ये बात मैंने आपको क्लास में समझाई थी? मैंने जब आपको लिस्ट किए थे सारे के सारे फीचर्स तो मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हर एक प्रॉपर्टी को जस्टिफिकेशन मिले. ये कंक्लूजन में मैंने बताया था. कोई दो ऑप्शन भी, दो प्रॉपर्टी भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरी प्रॉपर्टी भी उठा के पूछा जा सकता है, एक प्रॉपर्टी भी उठा के पूछा जा सकता है. फिर अगेन ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है मेरे पास? मतलब मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है, रिवीजन भी नहीं किया जा रहा है और कहीं कोई चीज लैक हो जा रही है तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी जा रही है. तो बेटा अगर ये तीनों गलतियां आप कर रहे हैं ना तो आप अपने लिए ही बहुत बड़ा वाला गड्ढा खोद रहे हैं. आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिनके भी कंसेप्ट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, प्लीज 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 क्लास में जो बताया जा रहा है अगर आप मिस कर जा रहे हैं कि आप दो घंटे में इतनी सारी बातों को नहीं पकड़ सकते हैं तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है. वो जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट आप रिकॉर्डिंग से कीजिए. लेकिन जो आप क्वेश्चन बना के मेरे ऊपर फेंक रहे हैं वो चीजें तो ऑलरेडी क्लास में कवर की जा चुकी हैं, उसके लिए मैं और एक्स्ट्रा या नया क्या बताऊं? अभी जितने भी बच्चों ने जितना भी सवाल पूछा है सबके जवाब प्रीवियस क्लास में दिए गए हैं. डायरेक्ट कंसेप्ट से क्वेश्चन आए थे, घुमा फिरा के सिर्फ वो कंडीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन था और कोई क्वेश्चन घुमाया हुआ नहीं था, सब डायरेक्ट टू सर्व क्वेश्चन थे. अभी घुमाने वाले क्वेश्चन तो आगे आएंगे जब हम मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए. आप लोगों की तरफ से कुछ एक आध चीजें यहां वहां कमी हो रही है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो मेक श्योर प्रॉपर ढंग से चलिए ताकि इशू ना हो. चलिए तो आज का हमारा नया चैप्टर शुरू करते हैं विद दिस नोट कि जहां भी जिस भी बच्चों को इश्यू हो रहा है वो एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे. डोनर और होस्ट वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, वो कैसे कंडीशन बन रहा है, वो कैसे ऑटोनोमस. चलिए गिव मी अ 5 मिनट्स.
ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये अर्ली फेज है, अर्ली फेज है, वेट अ मिनट, अर्ली फेज है ये, राइट। मैंने कहा ये वाला जो टिश्यू है ना, ये न्यूरॉन बनाता है, ठीक है, ये है डोनर। और मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है दूसरे एम्ब्रियो में, और इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है मैंने इस जगह पे, इधर पे, ये लो मैंने यहां पे ट्रांसप्लांट कर दिया। जहां मैंने ट्रांसप्लांट किया है ना, वो वाला एरिया एपिडर्मिस बनाने की फेट रखता है, और जो मैंने ट्रांसप्लांट किया है उसका फेट है कि भाई ये न्यूरॉन बनाएगा। और पहली बात तो ये किसका सवाल था, ये आई फॉरगॉट, एनीवेज जिनका भी सवाल था, आई एम डैम श्योर आपने क्लास अच्छे से नहीं देखी है, क्योंकि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में देख चुके हैं, तो मैं इसके लिए तो श्योर हूं कि आप क्लास अच्छे से नहीं देख रही हैं, ठीक है। तो जब न्यूरॉन को एपिडर्मिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया गया अर्ली फेज में, तो देखने को क्या मिला, देखने को मिला कि ये जो न्यूरॉन है वो एपिडर्मिस वाले रीजन में आके ये न्यूरॉन अब क्या बनाने लगा है, अभी एपिडर्मिस ही बना रहा है। सेम केस किया गया कि एपिडर्मिस को दूसरे डोनर में से लेकर जब उसको ट्रांसप्लांट किया गया न्यूरॉन बनाने वाले एरिया में, तो वो क्या कर रहा है, वो न्यूरॉन बनाने लग रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आसपास के जो सेल हैं, न्यूरॉन बनाने वाला सेल, वो आसपास के सेल से इंटरेक्शन करने लग रहा है। जो सिग्नलिंग वो सेल भेज रहे हैं या जो मॉलिक्यूल वो सेल भेज रहे हैं, उसी मॉलिक्यूल को न्यूरॉन वाला सेल रिसीव कर ले रहा है, और उसके आसपास के जो सेल है उन सभी के पास जो सिग्नलिंग है वो ये है कि भाई तुम सब एपिडर्मिस बनाओ। तो न्यूरॉन बनाने वाला सेल भी यही सिग्नल रिसीव कर रहा है कि एपिडर्मिस बनाओ, एंड दैट इज व्हाई वो अपना फेट छोड़ के एपिडर्मिस बनाने में लग जा रहा है। सेम गोज विद द सेकंड एक्सपेरिमेंट एज वेल, एपिडर्मिस बनाने वाले को जब मैंने न्यूरॉन बनाने वाले एरिया में रखा, तो एपिडर्मिस बनाने वाला सेल न्यूरॉन बनाने वाला सिग्नल सारा लेने लगा, क्योंकि उस टाइम पे सिग्नलिंग सभी सेल्स के बीच में चल रही है, क्योंकि इस स्टेज पे जो सेल है वो इंट्रैक्शन एज वेल एज सिग्नलिंग करके अपना फेट गेन करते हैं, और हेंस जो यहाँ पे एपिडर्मिस बनाना चाहिए अब वो न्यूरॉन बना रहा है। लेकिन जब सेम केस किया गया लेट स्टेज में, तब ऐसा नहीं हुआ, तब देखा गया कि ये जो न्यूरॉन बनाने वाला सेल है, जब इसको एपिडर्मिस वाले रीजन में डाल रहे हैं, तो ये जो है अपना फेट चेंज नहीं कर रहा है, ये न्यूरॉन पे ही जिद्दी बन के बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो सेल है उनमें से कोई भी सेल जो है सिग्नलिंग नहीं भेज रहा है, क्योंकि किसी को किसी से इंट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, इस स्टेज पे सेल डिटरमाइंड हो चुके थे, तो कोई किसी के पास सिग्नलिंग नहीं भेज रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यूरॉन बनाने वाला सेल न्यूरॉन ही बना रहा है, वो किसी के थ्रू फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। और अगर उल्टा एक्सपेरिमेंट किया गया कि एपिडर्मिस वाले रीजन को न्यूरॉन एरिया में डाला गया, तो वो एपिडर्मिस वाला रीजन अभी भी एपिडर्मिस ही बना रहा है, जो कि डोनर से आया है, डोनर यानी डोनेट होने वाला, जो वो सेल जो कि ट्रांसप्लांट हो रहा है इधर से उधर,